जिनेन्द्र जय तू जलंदो जय बोली महावीर भगवान की जय बोली अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठि भगवानों की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की जय बोलिए आचार्य भगवान सोम कीर्ति जी महाराज की प्रद्युम्न कुमार चरित्र की ओम नमः सिद्धेभ्यः। सब बच्चे बोलो ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज अभी अभी भैया जी ने बताया महाशिवरात्रि है। शिव जो शब्द है सिद्धों का पर्यायवाची है, मालूम है आपको, भगवान के सिद्ध भगवानों के अरिहंत भगवानों के 1008 नाम होते हैं, उनमें सिद्ध नाम के साथ साथ शिवाय नाम भी आता है। तो शिव और कोई नहीं, अलग अलग मतों में वर्तमान की तुलना में वर्तमान समय में कालांतर में उन्हीं सिद्ध भगवानों को शिव भगवान बना दिया, कोई अलग नहीं है। शिक्षा एक ही है, जैसे हम लोगों के भी बहुत सारे नाम होते हैं ना, घर में कोई नाम से बुलाते हैं, है ना, मम्मी किसी नाम से बुलाती हैं, दादाजी किसी नाम से बुलाते हैं, स्कूल का नाम अलग होता है, घर का नाम अलग होता है, कई कई बार दो नाम तो साधारण तौर पर लोगों के होते ही हैं। तो ऐसे ही भगवान के 1008 पर्यायवाची बताएं। सहस्त्र नाम का हम लोग पाठ करते हैं, उसमें भगवान के 1008 नामों से स्तुति की जाती है। और वे सब नाम किस प्रकार से आए कि वे सभी गुण, यथा नाम तद्गुण, वे सभी गुण हैं उन भगवान के अंदर, उस प्रकार से वह पर सारे भगवानों के नाम आए। आदि पुराण में भी आचार्य जिनसेन ने भगवान की 1008 नामों से स्तुति करी है, इंद्र इस प्रकार से स्तुति करता है, इस प्रकार से आदि पुराण में वर्णन किया गया है। एक एक नाम के बारे में बताया है कि भगवान का ये नाम है तो क्यों है, क्योंकि उनमें ये गुण हैं। पहले भी कई बार शब्द का प्रयोग किया है, बंदे तद्गुण लब्धे ओम नमः शिवाय में, क्योंकि वो शिव हैं, सिद्ध हो गए हैं, अब उनका फिर से इस संसार में जन्म नहीं होगा, इसलिए उनको उन अरिहंत भगवानों को उन सिद्ध भगवानों को शिवाय पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किया गया है। भक्तांबर स्तोत्र में भी यही शब्द प्रयोग किया गया है और बहुत जगह भगवान का नाम सिद्धों का नाम शिव के रूप में प्रयोग किया गया है। आज के इस शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन सभी लोग भगवान के गुणों में से कुछ एक गुण अपनाने का प्रयास करें, जैसे कि उस राजा मधु ने पिछले भव में दिगंबर दीक्षा लेकर के भगवान के गुणों को प्राप्त किया, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयत्न किया, उसके कारण से देखिए उसके सारे पाप धुल गए। उसने कितने कितने जघन्य पाप किए थे, पिछली पर्यायों में अग्निभूति वायुभूति के रूप में दोनों भाइयों ने एक निहत्थे मुनि महाराज पर अकारण वध करने की भावना से खड़ग से प्रहार किया, बाद में अगले भवों में परिस्त्री का हरण किया, उसके बाद भी क्षमा मांगने से भगवान के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने से उसके पाप धुल गए और अब मोक्षगामी जीव बन के प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न हुआ है और कालसमर और कनकमाला के घर में बहुत यश कीर्ति को प्राप्त कर रहा है, है ना। तो हम लोग भी अगर कोई गलती करते हैं उसके बाद उसमें सुधार करके भगवान ने जैसा मार्ग बताया है, शिव ने जैसा मार्ग बताया है उसका अनुसरण करें, तब तो फायदा है, है ना। भगवान के नाम पर युद्ध लड़ने से कोई फायदा नहीं है कि मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से श्रेष्ठ है इसलिए मैं तुम्हारा वध करता हूँ, तुम मेरा धर्म मेरा मत मान लो तब तक तो ठीक है, नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें जीवित रहने नहीं दूंगा,
तो ये भगवान ने कभी नहीं कहा, चाहे किसी भी मत के कोई भी महापुरुष रहे हों, भगवान रहे हों, देव रहे हों, वो हमेशा यही कहते हैं कि जो भी निहत्ते हैं, कमज़ोर वर्ग के हैं, चाहे मनुष्य हैं, चाहे पशु योनि के हैं, पक्षी हैं, उनकी रक्षा करो, है ना, उनके ऊपर अहिंसा करो। धर्म का मतलब दया है, धर्म का मतलब कभी भी हिंसा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब वह राजा मधु का जीव प्रद्युम्न के रूप में कहाँ पहुँच चुका है, कनकमाला काल समय के घर में पहुँच गया है। कनकमाला पूर्व भव की उसकी कौन है, कौन है रोहिता जी, क्या नाम था पूर्व भव में, रोहिता जी बड़े ध्यान से सुन रहे, कह रहे पत्नी है पूर्व भव की, चंद्रप्रभा नाम था। अब क्या बन गई, माँ बन गई, पालने वाली माँ हो चाहे जन्म देने वाली माँ हो, माँ तो माँ होती है ना, दोनों को ही उसी प्रकार से ममता रहती है अपने पुत्र के साथ में, और पुत्र भी अपनी माँ के साथ में उसी प्रकार से स्नेह रखता है, चाहे जन्म देने वाली हो चाहे पालने वाली हो। ऐसे गुरु होते हैं, गुरु के प्रति भी किसी भी विद्यार्थी का बहुत स्नेह रहना चाहिए, आदर रहना चाहिए, है ना। अब देखिए क्या हुआ, जेलसी जलन हरि युग में हर पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे पशु हो, सबको होती है। क्या हो गया, जब दिग्विजय जीत करके वह प्रद्युम्न राजमहल में आया, राजा ने उसको युवराज पद दे दिया। 500 पहले से पुत्र थे, 500 रानियां थी, उन्होंने क्या किया, सब रानियों की इच्छा थी कि मेरा पुत्र राजा बने, ये बाहर से कहां से आ गया, जिसके किसी कुल का नहीं पता, हमें अंदर खाने की सब खबर है कि कनकमाला इसकी वास्तविक माता नहीं है, कोई ना कोई गड़बड़ है, तो इसलिए उसके कुल जाति का कोई पता नहीं है कहां से आ गया है। और उसको देखो हड़प लिया उस कनकमाला ने, उसने उसको युवराज बना दिया और तुम देखते ही रह गए, तुम लोगों का इससे अच्छा तो मर जाना ही उत्तम था, ऐसा भड़का दिया। पहले से ही सारे की सारे बच्चे राजा बनना चाहते थे, जैन होने के बाद में भी उन्होंने भगवान के गुण नहीं लिए थे, पढ़ा होगा सुना होगा लेकिन आत्मा को छू नहीं पाए थे, इसीलिए तो दुष्ट प्रवृत्ति के हो गए। यहाँ पंचम काल में भी देखिए, सब आप लोग बच्चे बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, और बहुत सारे लोग वीडियो से भी सुन रहे हैं, हमारे पास कई बार फोन आ जाते हैं कि वीडियो से क्लास सुन रहे हैं, लोग बता देते हैं कि बड़ी अच्छी लग रही है ना, हम पूछते हैं बोर तो नहीं हो रहे, ज़्यादा लंबा तो नहीं खींच रहे हैं, 10 दिन में भी ख़त्म किया जा सकता था और यहाँ तो एक माह होने को आया, कहते नहीं कोई बोर नहीं हो रहे, हमें लगता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से कराएंगे। समझ में आना चाहिए, ग्रंथों की लिस्ट ज़्यादा लंबी भले ही ना हो कि 100 ग्रंथ पढ़ लिए कि 500 पढ़ लिए कि 50 पढ़ लिए, एक ही ग्रंथ से भी कल्याण हो सकता है, क्योंकि सभी ग्रंथों का सार एक ही है, नाम ही तो बदल रहे हैं, पात्र ही तो बदल रहे हैं, समय बदलेगा, कोई किसी समय की घटना होगी, कोई किसी समय की घटना होगी, कोई किसी महापुरुष की घटना होगी, स्थान बदल जाएगा, परंतु सबका सार एक ही है ना, कि आपकी आत्मा का कल्याण करना। एक अध्याय पढ़ के भी किसी जीव का कल्याण हो सकता है, और 1000 ग्रंथ पढ़ लिए सुन लिए उसके बाद भी अगर आत्मा तक नहीं छुआ तो फायदा क्या है ना, कोई व्रत नियम संयम या अपने जीवन में कोई भी चरित्र में उद्धार नहीं हुआ, वहीं की वहीं रहे, ग्रंथ सुनने के बाद पढ़ने के बाद बाहर जाते ही वही कषाय रही, वही छल कपट रहा, वही मायाचारी रही, वही असत्य रहा, है ना, कुशील रहा, लोभ रहा, वही सारे कृत्य, क्रोध रहा, बहुत सारी चीजें हैं, वहीं की वहीं रहे, तो कोई लिस्ट पूरी करने का कोई फायदा नहीं है कि हम डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर बन गए, MCA बन गए, हम IAS बन गए, हमने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, हमने स्नातक कर ली, कॉलेज चले गए, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर से चरित्र में कुछ भी
वृद्धि नहीं है। धन वैभव रुपया पैसा कमाना बहुत आसान है, जब तक हम लोग संसार में रहते हैं तब तक लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है। सारे टारगेट, सारे लक्ष्य, पूरे जीवन में स्कूल कॉलेज में पंचम काल में क्या सिखाया जा रहा है कि कैसे ज़्यादा पैसा कमाया जाए। कौन से कॉलेज में आप बच्चे का एडमिशन कराते हो, किस कॉलेज का पैकेज करोड़ों में गया है, लाखों में गया है। करोड़ का पैकेज लगा है तो 10 लाख रुपए की फीस भी कहीं ना कहीं से लाके भर देंगे, लाखों का पैकेज लगा है तो हजारों की फीस, क्योंकि बाद में कमा के देगा बच्चा। क्या कमा के देगा पैसे से, क्या होगा? बुढ़ापे में आपको अग्नि देने भी नहीं आएगा, अमेरिका चला जाएगा तो, है ना। इधर बीमार पड़ोगे, देखने भी नहीं आएगा, पड़ोसी अग्नि दे रहे होंगे, उसकी टिकट ही नहीं हो पाएगी, उसका वीजा ही नहीं लग पाएगा। हकीकत बता रहे हैं। तो क्या सिखाओ बच्चों को? धर्म सिखाओ। एक ये मात्र छोटा सा प्रद्युम्न कुमार ग्रंथ आपके जीवन में अमूल परिवर्तन लेकर आ सकता है। उस राजा मधु के जीवन में एक छोटी सी दिगंबर दीक्षा ने कितना बड़ा उपकार कर दिया कि वो सीधे भगवान बनने वाला है। और उधर कनकमाला की जो सौतन है, 500 सौतन बोलते हैं ना आप लोग, जो पति की दूसरी पत्नियां होती हैं, यही बोलते हैं ना शायद, अभी तो होती नहीं है इस युग में, थोड़ा कानून में बैन है, पहले हुआ करती थी। तो उनमें भी आपस में जलन होती है कि मैं पटरानी बनूं, मैं बड़ी रानी बनूं, मेरा पुत्र युवराज बने। तो उन्होंने भड़काकर अपने पुत्रों को भेज दिया, और उनमें जो बड़ा पुत्र था वज्रदंश, उसने अगुवाई करी उस पूरे की पूरे 500 लोगों की, और कहां ले गए उसको, जो है विजयार्थ पर्वत पर ले गए। विद्याधर लोग विजयार्थ पर्वत पर जा सकते हैं, हम लोग अभी वर्तमान में आर्यखंड में रह रहे हैं, हमारे पास अभी ऐसे सुख साधन, ऐसे विमान इत्यादि वर्तमान में नहीं है। पेट्रोल डीजल से चलेंगे, उनकी एक सीमा है। पहले विद्याओं से चलते थे विमान, पारे से भी चलने वाले विमान हैं, है ना। एक हमने विमान शास्त्र देखा था, एक बार अपने ग्रंथों में आया विमान शास्त्र, है ना। इंदौर के पास में बड़ेड़िया जी एक तीर्थ है, वो पूरा विमान शास्त्र का चलता फिरता नमूना है। 1000 साल से वह उड़ के आया हुआ विमान है, बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, उसकी नींव ही नहीं है, है ना। आप कभी जाएं इंदौर साइड तो देख करके आना। कोई विद्याधर उसको उड़ा करके लेकर आए थे, बहुत बड़ा सुंदर मंदिर है, रत्न में बहुत प्राचीन प्रतिमाएं हैं, और वहाँ शिलालेखों पे लिखा है कि विमान उड़कर आया है। उसकी हम गए तो हमने थोड़ी स्टडी करी, उसके खंभे देखे तो पूरे के पूरे अंदर से खोखले हैं, और नीचे कोई नींव नहीं, इतना विशाल मंदिर, और उसमें पूरे पंखे जो लगे हुए हैं, ऐसा बताते हैं कि पारे से वो चलता था, पारा धातु होती है तो हवा में उड़ता था। ऊपर जो खिड़कियां हैं उसी प्रकार से बनाई हुई हैं कि हवा में जो वो पूरा मंदिर उड़ता था तो कैसे उसको दिशा दी जाए। अभी आप देखिएगा नेट पे पड़ा हुआ विमान शास्त्र, लोगों ने ये पांडुलिपियों का डाला हुआ है, तो उसके आधार पर आज भी आप चाहें तो विमान बना सकते हैं जिसमें पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं है। उससे अगर उड़ के आप चले गए, आपके पास समय हुआ तो हो सकता है विजयार्थ पर्वत तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि बीच में कहीं पर भी डीजल पेट्रोल डलवाना नहीं पड़ेगा। या आपके पास ऐसे साधन हो, घोड़े इत्यादि हो, पशु हो, और आपको थोड़ी औषधियों की रोहितास्थि की तरह जानकारी हो कि जंगलों से हम कौन कौन सी औषधियों से, कौन कौन से पेड़ पौधों से अपना भोजन बना सकते हैं। एक दिशा में यदि आप उत्तर दिशा में चलते हुए चले जाएं, उत्तर क्यों, क्योंकि हम जहां पर रह रहे हैं भरत क्षेत्र के दक्षिण में आर्यखंड है, तो यदि हम ऊपर की तरफ उत्तर दिशा में चलेंगे तो विजयार्थ पर्वत आ जाएगा। हमने उस दिन गणना करी थी 526 योजन का यह दक्षिण से उत्तर, 526 सही 6/19 योजन, गुणा 500 करेंगे तो इतने क्या आ जाते हैं, 526 सही 6/19 योजन है,
उसमें हम गुणा करेंगे 6400 सीधे सीधे, तो किलोमीटर में संख्या आ जाएगी। इतने किलोमीटर दूर लगभग विजयाथ पर्वत का मध्य, मतलब जो भरत क्षेत्र का व्यास है वह कितना है 526 सही 6/19 योजन। एक योजन में 6400 किलोमीटर होते हैं और विजयाथ पर्वत उस भरत क्षेत्र के मध्य में है, तो इसका आधा कर लेंगे। तो इतने किलोमीटर पर विजयाथ पर्वत अगर हमारा घोड़ा हाथी चला जाए तो हम पहुंच सकते, परंतु उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्रॉस कौन कर पाता है, या तो चक्रवर्ती या विद्याधर या चक्रवर्ती की सेना है ना, या देव इत्यादि, वो तो कहीं भी जा सकते हैं। तो ऐसे विजयार पर्वत पर वो भाई जो थे 500 उस प्रद्युम्न को बहला फुसला कर ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि पहले पूरी कोशिश कर ली थी, उसके साथ में रहने लग गए, सोना करने लग गए, उसके खाने में विष मिलाने लग गए, जहर वहर मिला के सब देख लिया, परंतु वो मरने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि कभी उसका अमृत बन जा रहा है जहर, तो देवयोग से, क्योंकि अकाल मरण जिसको पहले से टिकट कंफर्म हो गया, जिसका रिजर्वेशन का टिकट है, तो वो अपनी सीट पे बैठेगा, कोई दूसरा उस पर कब्जा नहीं कर सकता। तो ऐसे ही रिजर्व सीट करा करके आया है प्रद्युम्न अपने पिछले पापों को धोकर के, मैं उस भव से मोक्ष जाऊंगा, अंतिम भव है। तो उदाहरण आता ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, साइयां माने जिनकी साई भगवान, यानी कि साई एक उपमा दी है भगवान के लिए, जिसको देवता भगवान रक्षा कर रहे हैं, तो कैसे मर सकता है, दूसरा तो मर जाता है, क्या उसकी रक्षा नहीं कर रहे भगवान? भगवान ने तो सारी सृष्टि बनाई है ना, सब लोग बोलते हैं, तो एक तो मर गया विष खाने से और दूसरा नहीं मरा, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, एक बच गया, बाकी सब मर गए भाई, बाकी सबकी भगवान रक्षा नहीं कर रहा था, क्यों? क्योंकि पुण्य कर्म का उनका उदय नहीं था। लॉजिक लगाओ ना विवेक, उनका पुण्य 6 हो गया था, इसलिए ट्रेन एक्सीडेंट में सारे मर गए, 2-4 जिंदा रह गए, पत्थर के नीचे भी बहुत सारे बच जाते हैं, बिल्डिंग गिर जाती है, एक एक हफ्ते बाद लोग निकल के आते हैं, सांस चल रही होती है, फिर उदाहरण आता है अखबार में, जाको राकेश आई अखबार में पढ़े हमने, तो इसलिए तो भैया एक ही को बचाया था भगवान ने, बाकी बिल्डिंग में 100 लोग और थे, वो तो मर गए, क्या कारण है? विवेक क्या कहता है कि उसका पुण्य कर्म बचा था, इसलिए वो बचा रह गया, बाकी का समाप्त हो गया, बाकी चले गए। यहाँ पर प्रद्युम्न का मोक्षगामी होने के कारण पुण्य बचा हुआ है, अकाल मरण नहीं होएगा, तो इसलिए वो विष क्या बन जाता था, अमृत बन जाता था। अब वो विजयार पर्वत के गोपुर तक ले गया, उसने मीटिंग करी 500 लोगों के साथ में, और क्या दिखाया, वज्रदंत जो है, जो बड़ा भाई, कि भाई देखो यहाँ पर ना ऐसे ऐसे गोपुर के अंदर कोई दैत्य रहते हैं, जो जाता है बड़ा कठिन है जाना, और अगर जो चला गया तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, तो ऐसा है मैं लीडर हूँ, मैं जाता हूँ, और जो भी मेरी इच्छा पूरी होगी सब मैं बांट दूंगा, सब आप मेरे भाई हो, सबको सुखी रखूंगा, मैं कुछ बढ़िया सा वहां से लेकर के आऊंगा, ऐसे वहां पर एक्टिंग करता है। और क्या बोलता है, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं वो लाभ प्राप्त करके यथाशीघ्र आता हूं। उस समय पराक्रमी प्रद्युम्न बोल उठा, जो प्रद्युम्न छोटा भाई था, दिग्विजय करके आया था, पराक्रमी था, युवराज भी बन चुका था, पूज्य भ्राता आप मुझे आज्ञा दीजिए ना, मैं गोपुर में प्रविष्ट होकर इस लाभ को प्राप्त करूं। इसीलिए तो वो एक्टिंग कर रहा था कि ये पहले ही बोल देगा, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो इसी को भेजना है, क्योंकि विष से तो ये मरा ही नहीं, जब विष से इसका मरण नहीं हुआ तो यहां पर हमने सुना है जो जाता है लौट कर नहीं आता है, लेकिन ये बात वो भाई यहां नहीं बोल रहा है, सुना क्या था उसने कि जो यहां पर हवेली में जाएगा वो वापस नहीं आया आज तक, लेकिन कह क्या रहा है, अरे यहां पर बहुत बढ़िया कोई वस्तु मिलती है, जो यहां जाएगा बहुत प्रॉफिट मिलेगा, पैसे मिलेंगे, है ना,
या कुछ ऐसी विद्या मिलेगी, लाभ मिलेगा, तो इसलिए मैं जाता हूँ। तो भाई ने क्या कहा, प्रद्युम्न ने, भाता श्री आप टेंशन मत लो, अगर कोई भी बात है तो मैं आपका भाई हूँ ना, लाभ तो सबके लिए है, मैं जाता हूँ। तब बड़ा भाई क्या बोलेगा, तब कुटिल वज्रदंष्ट ने तत्काल कह दिया, वो तो तैयार बैठा था, वो खुद जाने थोड़ी वाला था, वो तो उसके सामने एक्टिंग कर रहा था, उसे मालूम था शायद ये बोल देगा, नहीं बोलेगा तो हम कुछ दूसरा प्लान करेंगे कि तुम चले जाओ, उसने खुद ही बोल दिया। तो उसने क्या कहा, एव मस्तु, अरे बिल्कुल बेटा, हाँ आप चले जाओ, आप ले लो लाभ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला, एव मस्तु, निशंक होकर प्रद्युम्न गोपुर की ओर अग्रसर हुआ। जो वहां पर विजयात पर्वत पे जो गुफा थी है ना, गिरी शिखर पर, उसमें अब अकेला कौन गया, प्रद्युम्न चल पड़ा और बाकी सारे खुश हो गए, गया गई भैंस पानी में, अब लौट करके नहीं आएगी, मुक्ति मिली, चलो अब नहीं आएगा ये वापस। क्रमशः अपना वेग बढ़ाते हुए उसने प्रचंड शक्ति से गोपुर के अवरुद्ध द्वारों को उन्मुक्त करने का प्रयास किया। कहानी सुनिए ना अली बाबा वाली, खुल जा सिम सिम, अली बाबा 40 चोर दरवाजा। अब गोपुर था, उसके बहुत बड़े बड़े है ना, किला टाइप का होगा, कोई दरवाजे होंगे चट्टानों के, शिलाओं के। उसने प्रद्युम्न ने क्या किया, अपने बल से प्रचंड शक्ति से अवरुद्ध द्वार थे उनको उन्मुक्त यानी कि खोलने का प्रयास किया, धाड़ 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 कर करके खोलने का प्रयास करता था। हम जब छोटे थे तो टीवी पे सीरियल आता था अलिफ लैला, देखा ना, उसमें ऐसे ही होता था। अब अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें आती हैं, टेलीविज़न आ गया था, उससे पहले लोग कथाएँ सुनाया करते होंगे, तो ऐसे ही वो द्वार खुल जा सिम सिम, तिलिस्मी दरवाजे है ना, वो सारे जो चीज़ें हैं ना वो पौराणिक कथाओं से ही टीवी पे बना देते, इधर उधर का थोड़ा सा जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं कुछ चीज़ें जोड़ देते हैं, कुछ आधुनिक कंप्यूटर की कलाएं हैं उससे जो मन के विचार हैं, विकल्प हैं, जो भी ड्राइंग चल रही है, आर्ट चल रही है, उसको वो साक्षात देने का प्रयत्न करते हैं थोड़ा थोड़ा सा, जो भी देवताओं द्वारा दी गई विद्याएं हैं, जो पुराने काल में चीज़ें तिलिस्म हुआ करते थे, वो थोड़ा सा हमारे मन में छाप छोड़ जाती है, अच्छा ऐसा होता था, हमें वह टीवी वीडियो के माध्यम से देखने को मिलती है। एक होता है मन में देख रहे हैं, एक होता है पेंटिंग में वो चीज़ दिखाई, एक होता है वीडियो में वो चीज़ दिखा दी चलती हुई चलायमान, तो ज़्यादा जल्दी प्रभाव पड़ता है ना। तो ऐसे ही अब वहाँ पर क्या था, बहुत बड़ा दरवाजा था, उसको प्रद्युम्न ने अपने पूरे बल से हिलाया, पूरा एंटरटेनमेंट है ग्रंथ में, थोड़ा पिक्चराइज करने की ज़रूरत है, जो भी शब्द पढ़ रहे हैं मन में आंख बंद करके वो पिक्चर चलेगी तो बड़ा अच्छा लगेगा कि वाह उसने कैसे हिलाया होगा। कोलाहल सुनकर भुजंग नामक रक्षक देव जागृत हो गया। अब जब कोई चट्टान को, पहाड़ को हिलाएगा जोर जोर से, तो अंदर कौन रहता था उसमें, एक देव रहता था, जहां पर ज्यादा पब्लिक नहीं जाती ना जनता, जंगलों में, निर्जन स्थानों पर, पहाड़ों पर, नदियों में, समुद्रों में देव अपना आराम से रहते हैं। क्यों रहते हैं, असंख्यात वर्षों की आयु है। कुछ देव यंत्र टाइप के होते हैं, इधर उधर जाके पूर्व जन्मों के बैर निपटाने के लिए परेशान करते रहते हैं, आज इस जन्म का बैर निपटाया, अब उससे पिछले जन्म का, असंख्यात वर्षों का उन्हें याद होता है, पिछले कई भवों का, पिछले भव में इसने पतंग किया था, उससे पिछले इसने किया था, वो हमेशा अपना टाइम पास ऐसे करते हैं, व्यंतर राक्षस भूत पिशाच इत्यादि, ठीक है। कुछ अन्य देव होते हैं, उनकी भी असंख्यात वर्षों की आयु है, किसी की पल्ल में है, किसी की सागर में है, तो वो क्या करते हैं, आराम करते हैं, हजारों वर्षों तक एक ही स्थान पर, हमारे लिए तो हजारों वर्ष पता नहीं कितने जन्म, क्या करेंगे, भूख प्यास तो लग नहीं रही,
है। कभी कभी मन किया, जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो समय पास कैसे करते हैं, वो भगवान के समुशरण में जाके बैठते हैं, कभी सीमंदर स्वामी के में, कभी किसी और विधेय क्षेत्र के किसी में, कभी कहीं कभी कहीं, तो इस प्रकार से वह बैठते हैं जा जाकर अलग अलग जगह। कुछ देव क्या करते हैं कि चलो कभी कभी जाएंगे अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करने चले जाते हैं, नंदीश्वर द्वीप में अष्टानिका लगी वहाँ चले गए, कभी सुमेरु पर्वत चले गए, कभी कहीं। कुछ देव बहुत सारे केवली भगवान, आपको पहले कई बार बताया ना, प्रतिदिन भी एवरेज अगर निकालेंगे तो 3-4 जीव मोक्ष जाते हैं, है ना, केवल ज्ञान भी प्राप्त होता होगा ना, तभी तो मोक्ष जाएंगे। 6 महीने 8 समय में 608 जीव नियम से मोक्ष जाते हैं। तो प्रतिदिन वो जरूरी नहीं, हमने तो एक एवरेज निकाला है 3-4 जीव का, कभी किसी दिन ज्यादा कभी किसी दिन कम, 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे, अनादिकाल से नियम। तो कुछ देव क्या करते हैं कि चलो कोई केवली भगवान हुए हैं, अरिहंत बन गए, अभी मोक्ष जाने में टाइम है, वहां उनके दर्शन करने चलते हैं, प्रवचन सुनने चलते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करने चलते हैं। तो ऐसे समय पास उनका चलता रहता है। और यह भुजंग नाम का देव क्या है, वहां पर गोपुर में आराम कर रहा है हजारों साल से। क्या लिखा है, कोलाहल सुनकर भुजंग नामक रक्षक देव जागृत हो रहा, यानी कि सो रहा था, आराम से सो रहा है। अचानक से किसकी हिम्मत हुई, मेरे दरवाजे पे खड़खड़ 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 कौन आ गया उदंडी मेरी नींद में। होता है ना सुबह सुबह पापा जो है पानी डाल देते हैं, मम्मी अल्लाह मचाती हैं, तो कितना गुस्सा आता है, चिल्लाने लगते हैं, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे, फिर कहती है स्कूल जाना है, कहते आज नहीं जाना संडे को भी जगा रहे हो आज जो है, फिर चिल्लाते होता है। अब देखिए हम तो मनुष्य में चिल्ला रहे हैं, अब वो तो देव है, उसका क्या होगा। देखिए उसने नेत्र रक्तिम कर प्रद्युम्न से जिज्ञासा करी, लाल रक्त कर ली अपने, हे दुष्ट तूने मेरे पवित्र स्थान को अपवित्र कर डाला, मेरा सुख शांति से सोने की जगह है, कितनी पवित्र जगह है, कहां से आ गया तू, अपवित्र कर दिया। क्या तुझे ज्ञात नहीं कि जो मेरे निवास में अनधिकार प्रवेश करता है उसे मैं तत्काल मृत्यु दंड प्रदान कर देता हूं। पहले भी करता रहता होगा ना, तभी तो पूरे विद्याधरों की नगरी में अफवाह थी कि जो भी वहां जाता है भाई साहब लौट के नहीं आया, जो भी उधर गया है पता नहीं कहाँ गया, तो अब इसको प्रद्युम्न को वहीं लेके चलते हैं, लौट के नहीं आएगा, अपने को मुक्ति मिलेगी। तो उसने बता दिया दैत्य ने कि तुझे ज्ञात नहीं है कि जो भी यहाँ पहले आया है वापस नहीं भेजा मैंने, तेरी कैसे हिम्मत हुई, मृत्यु दंड दे देता हूँ मैं सबको जो भी मेरी नींद में है ना कगल डालता है। क्या तेरा काल आ गया है या किसी ने तुझे बहका दिया है। देख भाई, या तो तेरा काल आ गया है इसलिए तू यहाँ आया है पंगे लेने के लिए, या किसी ने तुझे बहका बहला फुसला के भेजा है, तो माफी मांग ले छोड़ दूंगा, नादान बालक समझकर बहला तेरे को बहला फुसला के किसी ने भेजा तो बता दे, अगर तू मरने के लिए आया है तो बता दे, मैं तेरा काम आसान कर देता हूँ, निपटा देता हूँ। कुमार प्रद्युम्न ने बड़ी धीरता से उत्तर दिया, धीरता से, अरे वो किसी से जब मोक्षगामी जीव होता है ना उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है, बड़ा धैर्यवान होता है, धीर वीर होता है, मरने से नहीं डरता है, निडर होता है, ये उसके अंदर बहुत बड़ा गुण होता है, आत्मा से ही अंदर से ही गुण आता है कि मरना किस चीज का डर, और ऊपर से शास्त्र का अध्ययन भी कर लिया कि आत्मा तो कभी मरती नहीं, सम्यक के दर्शन के साथ में मरोगे तो या तो मोक्ष जाओगे या स्वर्ग जाओगे। तो जो चतुर्गतियों के दुखों को जानता है वह जीव कभी भी किसी से डरता नहीं, ठीक है ना। तो क्या बोला ध्यान से सुनिएगा, बड़ी धीरता के साथ उत्तर दिया, हे असुर धाम,
क्योंकि असुर कुमार जाति में ही वो देव रहा होगा। 10 प्रकार के होते ना भवनवासी के अंदर। क्या बोला? रे असुरा धाम क्यों व्यर्थ में, मतलब एक तरफ जो है देव है, ठीक है, एक तरफ साधारण मनुष्य, भले विद्याधर है कोई दिक्कत नहीं है, तो मनुष्य ही अकाल मरण हो तो सकता है, वो तो मोक्षगामी है, इसलिए उसका नहीं होना। क्या कह रहा है? क्यों व्यर्थ में प्रलाप कर रहा है? सीधे सीधे बोला, कहां देव और कहां मनुष्य, मनुष्य देव से क्या कह रहा है? अरे क्यों बेकार में रो रहे हो, क्यों व्यर्थ में प्रलाप कर रहा है? यदि तुझ में बल है तो मुझसे युद्ध कर। बहुत ज्यादा डायलॉग मार रहे हो यहां बैठ करके कि नींद में खलल डाल दिया, देखते हैं आज तेरा बल, देखते हैं, चला जा। आधा तो कॉन्फिडेंस ही सामने वाला डर जाता है। बहुत बार देखा है हमने, बिल्ली कुत्ते को भगा देती है कॉन्फिडेंस में, कुत्ता डर के भाग जाता है। समझ रहे हो बात को? उसके बाद में देखना ना जब वो आक्रमण करे, पहले तो कौन, कभी भी आपका सामना किसी बलशाली से हो तो अपना कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को क्या बोलते हैं, आत्मविश्वास, कि बाद में देखेंगे, पहले तो दिखाते हैं, उसी से उसे सामने वाले को लगता है यार बेकार में क्यों पंगे लो, अपने निकल जाओ फालतू में, हमारे को भी तो चोट लग सकती है, हम इसको छेड़ेंगे तो वो आक्रमण करेगा, कहीं नोच ले, कहीं काट ले, क्या फायदा है, तो निकल लेता है बहुत बार आदमी। तो उसने क्या कहा, आ जाओ बल दिखाओ, देखता हूँ तो असुर होके तू देव के अंदर कितना बल है। कुमार ने भी वीरता पूर्वक, अब क्या हुआ, यदि तुझमें बल है तो मुझसे युद्ध कर, ज्ञात हो जाएगा कि कौन अधिक बली है, साक्षात देख लेंगे तू बली है कि हम बली है, हमने तेरी नींद में खलर डाला है। उधर बाहर वो बच्चे भाई इंतजार कर रहे हैं, अब तक तो निपट गया होगा, काम हो गया होगा, थोड़ी देर इंतजार करेंगे, उसके बाद अपनी माताओं को बताएंगे, बड़ी खुश हो जाएंगे कि हमने काम तमाम कर दिया। देव ने क्रोधित होकर कुमार पर प्रहार किया, बहुत ललकार रहा है, चूहा होकर शेर से बैर, शेर को ललकार रहा है चूहा होकर, फिर जब शेर जो है चूहे पर करता है तो चूहा क्या करता है, सुनिए ना कहानियां, चंपक इत्यादि किताबें आती थी पहले, चूहा क्या करता है, पूंछ काट लेगा, नाक में घुस जाएगा, छेड़ेगा, फिर भी जो है हार माननी पड़ जाती है अगर चतुर है तो, ठीक है, तो चतुर होना चाहिए, कुछ ना कुछ पोल होनी चाहिए कि इसकी पोल कहाँ पर है ना, इसकी सांस कहाँ पर है, तोते में होती है ना सांस, तिलिस्मी कहानियों में कि तोता पकड़ लो, तो ऐसे ही कुमार को पता है, चतुर है ना वो। अब उसने, देव ने क्रोधित होकर कुमार पर प्रहार किया, कुमार ने वीरता पूर्वक सामना किया, अपना बचाव किया, अब दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। मल्ल युद्ध माने बिना किसी शस्त्र के, आजकल ओलंपिक में भी होता ना मल्ल युद्ध, पटक देते हैं, कौन थे, सुशील कुमार है, हाँ, मतलब मल्लयुद्ध, मतलब भरत चक्रवर्ती और बाहुबली का भी हुआ था, कीचड़ मान लो, थोड़ा सा मिट्टी होती है, कीचड़ ना हो के मिट्टी के अंदर, जिससे कि चोट नहीं लगती, उसको पटकना होता है, जिसने बाउंड्री बना करके उसके बाहर निकाल दिया तो अखाड़ा, या बाहर कर दिया या तीन बार पटक दिया, तो जो जीत गया उसमें भी चतुरता होती है, जरूरी नहीं है कि बलशाली जीत जाए, किस तरीके से पैर को पकड़ करके हाथ के माध्यम से घुमा करके खुद को गिरने से रोकना और उसको गिरा दे, तो चतुर व्यक्ति जीतता है, उसमें बलशाली का कोई काम नहीं है मल्लयुद्ध में। अब दोनों में मल्लयुद्ध होने लगा, वे मुष्टि चपेट एवं हुंकार की ध्वनि से दीर्घ काल तक संग्राम करते रहे। देखो मनुष्य देह से लड़ रहा है,
और देव मार नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि उसका अकाल मरण नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? पिछला जो पुण्य एक बार की दिगंबर दीक्षा से क्या कमाल हो गया था देख लीजिए। तो फिर भी अपन सोचते हैं अगले भाव में नंबर लगाएंगे, है? थोड़े से व्रत लिए थे उससे क्या हो गया था, स्वर्गों में असंख्यात वर्षों तक सुख भोगा था। तो कभी भी मौका मिले तो पहले आप मत करना, है ना? संसार के दुखों में तो कर देना, खाई में कोई गिर रहा है, पहले आप समोसा खाने का नंबर आया है तो कह देना पहले आप पिज्जा खाना है, समोसा खाना है, हाँ कुएं में गिरना है तो पहले आप कर देना। यदि धर्म अंगीकार करना है तो बोलना पहले मैं। अगर धर्म लेने का बात आए ध्यान रखना, इसीलिए शास्त्र पढ़ा रहे हैं, उसमें ये मत कहना कि पहले आप लो पिताजी या पहले तू ले यार तेरा देखेंगे, अगर तू ठीक से कर पाएगा मेरे मित्र बाद में अपन देखेंगे, पहले तू ले ले तो वो चला जाएगा मोक्ष में, तुम रह जाओगे नरक त्रियंश की पर्यायों में, ठीक है? तो क्या हुआ, देव से पंगे ले पा रहा है, समझ रहे हो? आसान नहीं है, कॉन्फिडेंस है। अंत में क्या हुआ, भुजंग देव ने पराजय स्वीकार कर ली। कमाल देखिए, सुनने में हास्यप्रद लग रहा है परंतु वास्तविकता है, कभी भी अरिहंत भगवान की वाणी अन्यथा नहीं होती, मिथ्या नहीं होती, गलत नहीं होती। कि कोई मनुष्य देव को कैसे हरा देगा, हम तो देव देवियों की पूजा करने के लिए इतने उपवास रखते हैं, कहाँ कहाँ शहर पे जाते हैं कि हे देवी हे देव मेरी मन्नत पूरी कर दो, और एक मनुष्य ऐसा भी है जो साक्षात देव से युद्ध लड़ रहा है, आ जा देखते हैं आमना सामना कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देव से कुछ भी मानकर उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसके आगे भेंट चढ़ा रहे हैं, हे देव मेरे बच्चा करा दे, मेरी नौकरी लगवा दे, मुझे पैसे दिलवा दे, मेरे घर में बैर है, मेरे ये नहीं सुनता, मेरे वो नहीं सुनते, मेरे को कोई विद्या दे दे तो जिससे कि मैं इसके ऊपर जादू कर दूं और ये मेरी मानने लग जाए। वो भी मंत्र आते हैं ना देवों को वश में करने के लिए, ये विद्या दिलवा दे, वो विद्या दिलवा दे। और यहाँ क्या कर रहा है, वो तो सीधे डायरेक्ट पंगे ले रहा है कि देखते हैं कौन बलशाली है। और आखिरकार देव हार गया, देव ने कुमार के चरणों में गिर के कहने लगा कि भैया तुम कौन हो, हे नाथ मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। वो जिन्न की कहानी आती है ना, चिराग घिसो जिन्न निकलेगा, हे नाथ आदेश करो मैं आपका स्वामी हूँ। चाचा चौधरी की कहानी आती थी, कौन आता था, साबू, हे नाथ मैं मंगल ग्रह से आया हुआ आपका स्वामी वो हूँ, जो बोलोगे वो करूँगा। वो सब कहानियाँ यहीं से निकली हैं कालांतर में बच्चों के, अब दूसरी आती होंगी, हम तो अपने उदाहरण दे पाएंगे, हम तो आजकल के वो डोरेमोन और भीम नहीं जानते, नाम जानते हैं बस क्या करिए, पोपोए पीछे से आवाज आई सिंचैन, हम तो ज़्यादा नहीं जानते अपने समय में, वो रुचि होती है ना जब बचपन होता है तो इन्हीं में रुचि होती है। तो उनके माध्यम से भी ना कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ पहले पढ़ाई जाती थी, बाल कथाओं के माध्यम से, चित्र कथाओं के माध्यम से, कॉमिक्स के माध्यम से हमारे पिताजी लेके आते थे, है ना, जैन चित्र कथा, बाहुबली भगवान की कथा, टीले वाले बाबा की कथा, भरत सागर महाराज की कथा, बड़े बड़े आचार्य उस समय जो रहे, जो महामुनि रहे, आचार्यों की कथा, ऐसी प्रद्युम्न कुमार की कथाएं, राम की कथाएं, चित्रों के माध्यम से बच्चों के मन मस्तिष्क पे छाप छोड़ी जाती। अब किसकी कथाएं, सुपर कमांडो ध्रुव हीरो हीरोइन, है ना, तो अन्य अन्य ऐसी कथाएं जिनसे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। मायावी चीजें तो देख रहे हैं
फिल्में भी ऐसी बन रही हैं, परंतु शिक्षा प्रद नहीं है। बच्चों में युद्ध लड़ना, मारना, वो गेम आ रहे ना आजकल, कोई बता रहा था उनसे बहुत गेम मरते हैं, कौन सा गेम है वो, पबजी भैया खेलते होंगे तभी नहीं पता। तो उसमें क्या दिखाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है उन गेम से, कि कैसे दूसरों को मारा जाए, बंदूक कैसे चलाई जाए। तो बचपन में बंदूक वो पहले कंप्यूटर पे मोबाइल पे चलाता है, फिर सच में मिल जाती है तो खट 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 आता है ना कि 100 बच्चे मार दिए स्कूल में अमेरिका में, फिर खुद भी मर गया। उसे नहीं पता है ना, क्योंकि उस गेम में परिणाम नहीं बताए जा रहे हैं, वो गेम खत्म, फिर दोबारा उसके पास आ गया वो बंदूक कि बेटा मार देगा तो बाद में क्या होगा तेरा, ये नहीं बताते हैं। बस गेम के माध्यम से गलत गेम सिखाए जा रहे हैं वर्तमान में। पंचम काल का प्रभाव है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कहाँ पड़े, सबको पैसे कमाने हैं, सबकी रुचि है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां के गेम में क्या हुआ कि देव उस जिन्न की तरह से, हे स्वामी मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हो, कहां से आए हो भाई, अतएव कृपया कर मेरा अपराध क्षमा करें, भैया मुझे जीवन दान दे दो। कौन हो, आज तक तो मैं लोगों को मारता था, यहां पर तुम कहां से आ गए भाई। कुमार के सौजन्य से प्रसन्न होकर उसने उन्हें अपना एक स्वर्णमय रत्न जनित सिंहासन पर विराजमान किया। अब भाई हार मान के अब क्या करेगा, क्षमा कौन मांगेगा, जो हार गया है वो कहेगा भाई मेरा पीछा छोड़ो, बैठो पहले पानी वानी पियो। रत्न जड़ित सिंहासन पर बिठाया, किसको, कुमार को, कि मुझे माफ कर दो, मेरे को जीवन दान दे दो भाई, पहले बैठो थोड़ा सांस लेने दो। क्या करोगे जब हार जाओगे, तो यही करोगे ना कि भाई मेरे थोड़ा आराम से तसरीफ रखो, दोस्ती कर लो मुझसे और मुझे छोड़ दो। सिंहासन पर बिठाया, स्वर्णमय रत्न जड़ित सिंहासन पर प्रद्युम्न कुमार को विराजमान किया। उस पर आसीन होकर कुमार ने देव से पूछा, उसको तो भाइयों ने भेजा था, उसे कुछ पता थोड़ी था, उसका तो टाइम पास चल रहा था कि ठीक है भाई लेकर आए हैं, एंटरटेनमेंट है, जाएंगे जैसे पहले युद्ध लड़ रहे थे यहां पर भी लड़ लिए, अंदर से कॉन्फिडेंस है कि तूने मुझे ये कैसे बोल दिया कि नींद से जगा दिया, जगा दिया बोल क्या कर लेगा। ऐसी करते हैं ना, अगर किसी को कोई चलते में छेड़ देता है कि भाई यहां से क्यों? अच्छा बता बोल क्या करेगा, लड़ने लग जाते हैं ना, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छेड़ने की, अब तू मुझसे पंगा ले खाली, मेरे पास तो बहुत टाइम है, तेरे पास भी टाइम है, चलो लड़ते हैं। दोनों के पास टाइम है, दोनों लड़ने बैठ गए। तो क्या हुआ, अब देव ने पहले उसे बिठाया, अब प्रद्युम्न कुमार ने पूछा तुम कौन हो, इस गोपिर में किस उद्देश्य से निवास करते हो, भाई तुम बार बार क्यों नहीं निकलते, यहां रहते क्यों, कौन हो, कहां से आए हो। कौन पूछ रहा है, प्रद्युम्न कुमार पूछ रहा है उस देव से कि तुम यहां पर क्यों डाका डाले बैठे हो, किसकी रक्षा कर रहे हो, कौन सा सोना चांदी हीरे जवाहरात यहां बैठे हैं जिसकी वजह से तुम्हें इतना बुरा लग गया कि मैंने जरा सा दरवाजा क्या हिला दिया कि तुमने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया, क्यों बैठे हो यहां पर, किस उद्देश्य से यहां पर निवास कर रहे हो। देव ने मस्तक नत करके कहा मैं सत्य असत्य निवेदन कर रहा हूं। अब बोल रहा है देखिए सत्य असत्य, मैंने आपसे जो अब बात कह रहा हूं निवेदन कर रहा हूं बिल्कुल सत्य हूं कि यहां ध्यान से सुनो, मैं आपके समागम हेतु ही निवास कर रहा था। क्या कह रहा है, मैं तो इतने दिन से आपका इंतजार ही कर रहा था, समागम माने आपसे भेंट करने के लिए तो इंतजार कर रहा था। ओ कह रहा भाई ये क्यों, मैं तो पहली बार आया हूं, मैं तो तू मेरा इंतजार कर रहे थे क्यों भाई, मैं तो बस आप ही का इंतजार कर रहा था, इतने सालों से यहां पर सो रहा था कि कब आप आओगे और मेरे को युद्ध में हराओगे और मैं आपका सेवक बन जाऊं। ऐसी वो चिराग का जिन्न होता है ना कि मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था,
कि कब आएगा बोतल खुलेगी और मैं निकलूंगा। यह रहस्य इस प्रकार है। अब वो अपनी कथा वो देव सुना रहा। अब ये भी देखो कहानी के अंदर कहानियां हैं, ऐसी स्टोरी बढ़ती चली जाती है, लेकिन मुद्दा वही रहेगा। यह रहस्य इस प्रकार है कि मैं यहां क्यों रह रहा हूं, आपका इंतजार क्यों कर। इसी विजयार्थ पर्वत की श्रेणी में अलंकार नाम का नगर है ना। एक के अंदर एक कहानी, एक के अंदर एक कहानी, थोड़ा दिमाग खोल के रखिएगा, है ना, बड़े एकाग्रचित्ता के साथ आप सुनते हैं, अच्छा लगता है। इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ना कि थोड़ा एकदम कंफ्यूजिंग ना हो जाए। ऐसी कहानी बड़े बड़े राइटर नहीं लिख पाते मूवी में। जो पिक्चरें आजकल आती है ना, बड़े बड़े सीरियल बन जाते, ऐसी इतनी जटिल कथा। अब वो क्या बता रहा है, जो देव है इसी विजयार्थ पर्वत की श्रेणी में एक नगर है, उसका नाम है अलंकार। अलंकार नाम का एक नगर है, वहां कनक नाभि नाम का राजा राज्य करता था। जो अभी हम जिस स्थान पर रह रहे हैं ना, यहां पर क्या होता है, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, अब सर्पणी काल के प्रभाव से चीजें चेंज होती रहती है। कुछ दिनों पहले एक नगर, उसका नाम इलाहाबाद था, मंत्री जी आए, उन्होंने कहा प्रयागराज नाम है। हम जिस स्थान पर रह रहे हैं इसका नाम कुछ समय पहले नोएडा था, एक मंत्री आए, उन्होंने इसको गौतम बुद्ध नगर कर दिया। हर 5-10 सालों में नगरों के नाम, ये प्रत्यक्ष प्रमाण था, उदाहरण दिया, तो चेंज होते रहते। जो व्यक्ति आएगा उस हिसाब से सड़क के नाम कर देगा, नगर का नाम कर देगा, राष्ट्र का नाम कर देगा। झांसी का नाम वीरांगनगर। तो जैसी जिसकी मान्यता होगी, मुगल आए उन्होंने नाम कर दिया, कोई जैन धर्म को मानने वाला आएगा वैसा नाम कर देगा, जैसे जिसकी मान्यता, जैसा जिसका मन करेगा वैसे वैसे नाम कर देगा। अयोध्या नगरी भी वर्तमान में पता नहीं कहाँ है अभी, अयोध्या है वो वही है कि नहीं है कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना, वही मगध है कि नहीं है, वही सौराष्ट्र है कि नहीं, वही वैशाली है कि नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। परंतु जो अकृत्रिम जगह होती हैं, विजयार्थ इत्यादि, जो विद्याधरों के नगर हैं, विदेह क्षेत्र इत्यादि हैं, उनमें नगरों के नाम वही रहा करते हैं, ठीक है। लोग आएंगे चले जाएंगे, स्थान के नाम वही रहेंगे। तो यहाँ क्या कहा, इसलिए प्रसंग आया है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं ना भूत भवित वर्तमान, भूत भविष्य वर्तमान, एक एक शब्द पर शास्त्र में ध्यान देना है, साधारण तौर पर सेल्फ स्टडी में ध्यान नहीं जाता। क्या लिखा, विजयार्थ पर्वत की श्रेणी में अलंकार नाम का नगर है। ये नहीं लिखा नगर था, नगर है, यानी आज भी है, उसका नाम परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि विजयार्थ पर्वत भी हमेशा से विजयार्थ ही रहेगा, था है रहेगा। सुमेरु पर्वत था है रहेगा। सूर्य चंद्रमा अनादि काल से यही नाम है, यही रहेंगे, इनका नाम परिवर्तन नहीं कर सकते। कोई राजा है बोले सूर्य का नाम अच्छा नहीं लग रहा है, भाषा के अनुसार सन कर सकता है, मून कर सकता है, लेकिन चंद्र ही रहेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। जो अकृत्रिम चीजें हैं उनका नाम परिवर्तन नहीं कर सकते, हाँ प्राकृतिक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही अलंकार नाम का नगर है, वहां कनक नाभि नाम का राजा राज्य करता था। ये भूतकाल में हो गया, समझ रहे हो नीतीश भैया, कनक नाभि भूतकाल में था, कनक नाभि तो चला गया मर के, था रावण, कोई कहानी सुनाओगे तो क्या बोलोगे, रावण था, लंका है, ठीक है ना, भारत है, राम थे, ऐसी कहानी होती है ना, भारत तो रहेगा, हाँ।
क्या कहा, कनक नाभि नाम का राजा राज करता था, उसकी रानी अनिला बड़ी पवित्रता थी। उसकी रानी कौन थी, अनिला नाम की उसकी रानी थी। इसका नाम क्या, कनक नाभि। और वो कौन है जो अभी जहां पर रह रहा है मधुका जी प्रद्युम्न, कनक माला, मिलते जुलते नाम है। थोड़ा याद करते रहो, और चीजों भी बहुत याद हो जाती हैं, फिल्मी कहानियां, कौन हीरो कौन हीरोइन, कौन से गाने, अंताक्षरी में सारे याद आ जाते हैं, हजारों गाने, ये भी नाम याद कर लो। लोग कहते हैं ना याद नहीं हो रहे नाम, दृष्टि रखोगे एकाग्रचित रखोगे तो सब याद हो जाएंगे, ठीक है ना, कोई कठिन नहीं है। बार बार पढ़ते रहो, एक बार 100 बार 10 बार क्या दिक्कत है। कनक नाभि की रानी अनिला, अनिला अनिल होता है ना, अनिल, अनिल का अनिला, उनके यहां एक गुणवान पुत्र का जन्म हुआ। कौन कहानी सुना रहा है, वो देव कथा सुना रहा है कि भाई मैं आपका यहां इंतजार क्यों कर रहा हूं, मुझे झूठा मत समझना, मैं आपको कथा सुना रहा हूं, मैं आपका इंतजार क्यों कर रहा हूं। कथा इस प्रकार जाती है, कनक नाभि नाम का राजा था, इसी विजयार्थ पर्वत की श्रेणी में अलंकार नाम के नगर में अनिला नाम की उसकी रानी थी, बड़ी पतिव्रता थी, पवित्र थी। उनके यहां एक गुणवान पुत्र का जन्म हुआ, एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम हिरण्यनाभि रखा गया। क्या नाम रखा गया, हिरण्यनाभि। कनक नाभि ने दीर्घ काल तक राज्य सुख भोगा, राजा था वो, बड़े समय तक अच्छे से राजपाट भोगा, किंतु कालांतर में चंचला लक्ष्मी एवं क्षणभंगुर जीवन से उन्हें विरक्ति हो गई। लक्ष्मी कैसी है, चंचल है, सब जानते हैं, हर धर्म का, हर मत का, हर राजा महाराजा वर्तमान का भी, नेता हो अभिनेता हो, लक्ष्मी के आगे चंचल शब्द बाय डिफॉल्ट लगाता है। कोई कोई कहता है तिजोरी में रखे रखे गायब हो जाती है, क्यों, चंचल है। अरे पुद्गल है, कैसे चलेगी भाई, उसके अंदर मन है क्या, ये दिमाग है या आत्मा है, हमने ही तो बोल दिया ये सोना है, सोने को पता है कि ये सोना है, बताओ, हमने बोला हीरा है, हीरे को पता था क्या मैं हीरा हूं, पड़ा हुआ था वो तो कहीं पत्थर के अंदर, नदी के अंदर, कीचड़ के अंदर, समुद्र के अंदर। जौहरी को पता था या ग्राहक को पता है या उसको जो धारण कर रहा है उसको, अरे मैंने हीरा पहना, अरे सोना है। एक उपमा दी है किसको, लक्ष्मी को, चंचल यानी कि आज है कल नहीं है, रुपया पैसा धन वैभव शरीर इत्यादि, क्षण भंगुर जीवन, जीवन पानी की बूंद है, गीत गाया ना विमल सागर महाराज, जीवन है पानी की बूंद, क्षण भंगुर बोला, अनित्य है, नित्य माने सदा रहने वाली, अनित्य माने क्षण में नष्ट हो जाने वाली। किसको ज्ञान हो गया, उस कनक नाभि को ज्ञान हो गया कि ये लक्ष्मी चंचल है, ये जीवन क्षण भंगुर है, और उससे उन्हें विरक्ति। एक न एक दिन जो भी ज्ञानी जीव होते हैं जिनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है उन्हें विरक्ति होती है। जब तक इच्छा रहेगी ना मकान दुकान बनाने की, रुपए पैसे इकट्ठा करने की, तब तक विरक्ति नहीं होगी। जब सब कुछ प्राप्त कर लोगे उसके बाद विरक्ति होती है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को दूसरे का प्राप्त होके देख के विरक्ति हो जाती है कि इसने भी इतना प्राप्त करके क्या किया, अंत समय में ये भी ऐसे ही मर गया, है ना, चार लोग उठाने वाले थे बस, सैया को सारा रुपया पैसा, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, इतनी बहुमंजिला, पूरे राज्य का राजा बन गया, कितने उधेड़ बुन, किसको नीचा किसको ऊंचा, इसके सर पे पाम रखा उसके सर पे रखा, इतना छल कपट इतना किया, और अंत समय में उसके बच्चे ही उसको धोखा देकर मार दिए। तो किसी को दूसरे का देखकर ही
विरक्ति हो जाती है और किसी को स्वयं का देखने के बाद होती है कि मैंने पूरे जीवन में कितने निकृष्ट कार्य किए, कैसे कैसे यहां तक पहुंचा और हाथ में कुछ भी नहीं, अब नलियों से खाना खिलाया जा रहा है, जब सारा इतना पैसा मेरे पास है कि मैं कुछ भी खा सकता हूं, जब खाने को नहीं था तब उसकी इच्छा थी काजू खाने की, जब काजू आ गए इतने भंडार तब डॉक्टर ने मना कर दिया है बेटा खा लिया तो गया, इतना फैट खा लिया या इतनी चीजें खा ली, अब खा नहीं पा रहे, शरीर साथ नहीं दे रहा है, पचा ही नहीं पा रहा है, इतना सारा चीजें, तो इसलिए अब उसका क्या हाल हुआ, कनक नाभि का विरक्ति आ गई, उसने अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप कर वन में पिहिताश्रव मुनि महाराज से दिगंबरी दीक्षा ग्रहण कर ली। कितने अच्छे अच्छे नाम आए, इनको नोट कर लिया करो, पिहिताश्रव, पिहिताश्रव, पिहित आश्रव, पिहिताश्रव, है ना। आदि पुराण में आया है कि जितने भी जम्बू द्वीप से लेकर असंख्यात द्वीप समुद्र इस एक राजू में मध्य लोक में है, सारे शुभ नाम वाले हैं, किसी को अपने बच्चे का नाम रखना हो तो रख सकते हो, असंख्यात नाम है। तो ऐसे ही ये पूर्वाचार्यों द्वारा रचित ग्रंथों में महापुरुषों के नाम हैं, तो आपको बच्चों के नाम रखने हो तो ज्योतिषी के पास काहे जाते हो, ग्रंथ पढ़ो, उठाओ कोई भी नाम अच्छा लगे, मुनि महाराज के नाम पर, पुराने आचार्यों के नाम पर, पुराने तीर्थंकरों के नाम पर, केवली भगवानों के नाम पर रख दो, क्या दिक्कत है, यथा नाम तथा गुण, कुछ तो गुण आएंगे, भगवान राम का नाम किसी बच्चे का नाम रखोगे तो रावण जैसा आचरण नहीं करेगा, है ना। अब आजकल होता है ना वो तैमूर नाम रखा किसी ने, तो जब इतिहास पढ़ाया जा रहा है कि आता ताई था, है ना, लोगों को मारता था, तो यथा नाम तथा गुण बाद में वही काम करेगा, ठीक है, अन्यथा ना लो। अब जिसका जैसा ज्ञान है, जैसा जिसको अपने बच्चों को बनाना है वो उसके वैसे नाम रखता है, रावण नाम रखा कभी किसी बच्चे का, हमने अभी देखा किसी ने दाऊद नाम रख लिया, रखते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बनाना है उसके जैसे, रावण नाम भी रख देंगे लोग, कोई दिक्कत थोड़ी, हमें बनाना है, भविष्य में भले ही तीर्थंकर है परंतु पिछले भव में तो गलत कार्य किए थे ना, तो इस कारण से ये नाम आया, बड़ा अच्छा नाम आया, पहली बार हमने पढ़ा है पिहिताश्रव, तो इसलिए ये बात बोल रहे हैं कि ग्रंथों में से कभी अच्छे नाम मिले तो लिस्ट बना लो, बढ़िया ज्योतिषी बन जाओगे, कोई भी आएगा अरे क्या नए नए नाम दे रहे हो, अब क्या चलन चल रखा है, अमेरिका के नाम रखेंगे, चाइनीज नाम रखेंगे, जापानीज नाम रखेंगे, रशियन नाम रखेंगे, कोई पूछेगा ये नाम कहाँ से रखा, अरे रशिया में इसको ये बोलते हैं, कुत्तों के नाम, अरे महाराजों के नाम रखो ना, क्या दिक्कत है, कनक नाभि कितना अच्छा नाम है, अनिला कितना अच्छा नाम है लड़की का, पिहिताश्रव मुनि महाराज के पास जाकर के उस कनक नाभि ने संसार से विरक्ति लेकर दीक्षा ली। आजकल की तरह नहीं करते कि मरते दम तक बेटा मुझे जब तक बिल्कुल सांस नहीं निकल जाए ना, जितना पैसा मैंने कमाया है वो सारा हॉस्पिटल में पहले लगा दियो और लोन भी ले लियो, प्रॉपर्टी बेच करके या प्रॉपर्टी को गिरवी रख के, और भविष्य में 20 साल तक चुकाता भी रही हो। हर आदमी यही कह के जाता है, बेटा भी कहता है बीमा करा रखा पिताजी 5 करोड़ का, 1 करोड़ का अमेरिका लेके जाऊंगा, है ना, कहां कहां नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन मरने नहीं दूंगा। किसी की मृत्यु पैसा नहीं रोक सकता है, जैन धर्म क्या कहता है, हमने ऐसे भी जीव देखे हैं, कमिटमेंट कर लेते हैं बच्चों से, कमिटमेंट माने शपथ पत्र लिखवा लेते हैं, अगर कुछ जरा सा सभी हो
मुनि महाराज के पास ले जाना, नहीं लेके गया ना तो छोड़ूंगा नहीं, संपत्ति नहीं दूंगा, तेरे नाम पैसे नहीं करूंगा अगर नहीं लेके गया बुढ़ापे में मुझे, अगर दीक्षा नहीं दिलवाई तो। ऐसे लोग भी देखे हैं हमने, अभी दान कर जाऊंगा मंदिर में, तुझे नहीं दूंगा अगर नहीं लेके गया तो, मुझे दीक्षा दिलवाने बुढ़ापे में। वो कौन लोग होते हैं जो ये स्वाध्याय करते हैं कि मुझे डॉक्टर के लेकर के कदापि मत चला जियो, अगर मेरी सांस उखड़ रही हो, बीमार हूं, मैं बंदिश में आ जाऊं, कोई भी मुझे मुनि महाराज के पास ले जाके समाधि करवा देना, तब तो पैसा तेरे नाम है, नहीं तो वही कहीं भी अभी लिख दूंगा, दान कर दूंगा, फिर देखता रही, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे बने, क्या करा उसने, कनक नाभी ने दीक्षा ले ली, गुरु के समीप द्वादशांग का अध्ययन किया। द्वादशांग माने जिनवाड़ी माता, बारह द्वादश माने बारह अंग, द्वादशांग संधि विच्छेद करेंगे तो बारह अंग, अंग प्रवेश इत्यादि बारह प्रकार के द्वादशांग जिनवाणी होती है। कैसे आती है, अरिहंतों द्वारा कही गई, गणधर द्वारा रची गई, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। क्या बोलिए, अंग प्रविष्ट, बोलो शास्त्री जी, द्वादशांग का मतलब अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, ठीक है। एक जो होती है ये सारी अंग बाह्य, एक होती है जो सारी की सारी गणधरों ने ओरिजिनल रची, ठीक है, बारह प्रकार, जिसमें से कि अंतिम वाली जो है उसका भी कुछ भाग अभी पंचम काल में हम लोग पढ़ पा रहे, दृष्टिपात है ना, ये सारी चीजें आप लोगों ने तत्वार सूत्र इत्यादि में पढ़ी है। धीरे धीरे पंचम काल में विलुप्त हो गई है, परंतु उनका जो सार है वो इन आचार्यों के उपकार से हमारे समक्ष आज भी उपलब्ध है। ओरिजिनल जो मूल वाणी है द्वादशांग अभी हमारे समक्ष नहीं है, परंतु महावीर भगवान ने कही थी, गौतम गणधर ने उसकी रचना की थी। धरसेन आचार्य के ज्ञान में आ गया पंचम काल में, धीरे धीरे उनके स्मरण शक्ति से विलुप्त होती जा रही है, इस कारण से उन्होंने पुष्पदंत और भूत बलि आचार्य को बुला करके उसको पढ़ाया और उन्होंने षटखंडागम नामक ग्रंथ की रचना करी। पढ़ाया ना आपने, श्रुत पंचमी के दिन वह पूरी हुई और उसकी पूजा की, उस षटखंडागम के आधार से फिर धीरे धीरे अन्य अन्य आचार्यों ने यहां पर जो ग्रंथ इत्यादि की रचनाएं की है ना। तो ये सब पूर्व होते हैं, कुछ ग्रंथ होते हैं, अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु स्वामी तक उनको पूरा ज्ञान था, उसके बाद धीरे धीरे कालांतर में चीजें विलुप्त होती गई। परंतु अभी जितने भी पूर्वाचार्यों द्वारा रचित ग्रंथ हैं, ये भी जो ग्रंथ है आचार्य सोम कीर्ति जी महाराज द्वारा रचित है, उनका भी ज्ञान कितना प्रगाढ़ है, इतने सारे नाम याद हैं, सारी की सारी घटनाएं उन्हें भी वैसी की वैसी याद है। तो क्या कहा, द्वादशांग का अध्ययन वहां पर उसने किया, किसने, कनक नाभी ने। कोई भी शब्द आता है तो थोड़ा सा आसपास से आपको बता देते हैं। तत्पश्चात उग्र तपश्चरण द्वारा समस्त घातिया कर्मों का विनाश कर वह केवल ज्ञानी हो गए। देखिए भगवान बन जाते हैं, अगर काल सही है, शरीर सही है, आपका समय सही चल रहा है, तो दिगंबर मुनि फिर ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करते कि पहले स्वर्ग जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, उसी भव से भी भगवान बन सकते हैं। भगवान राम भी बने थे उसी भव से, भगवान हनुमान भी बने थे उसी भव से,
वर्तमान में हर धर्म में हनुमान को पूजते हैं, राम को भी। जैन धर्म में भी सबसे बड़े भगवान है भगवान राम। ऐसा नहीं है कि जैनियों के भगवान नहीं है। जो सबसे मूल ग्रंथ है जैनियों का पद्म पुराण, पद्म माने भगवान राम, उनका नाम पद्म था। उसी से ही वर्तमान में जितने भी मुनि महाराज हैं 1000 के आसपास, 700-800, शायद ही कोई मुनि महाराज ऐसा हो जिसने पद्म पुराण ना पढ़ा हो, भगवान राम की कथा से प्रेरणा न ली हो। उस भव से दीक्षा लेकर के भगवान बन गए। ऐसे भगवान नहीं बने, सब कुछ परिग्रह का त्याग किया, संसार से विरक्ति ली, युद्ध लड़े वो अपने गृहस्थ जीवन में लड़े, परंतु हमें युद्ध सीखने हैं क्या? हमें स्त्री के लिए शोक मनाया वो सीखना है क्या? वो उन्होंने किया, अच्छी बात है, परंतु हमें क्या सीखना है? अंत समय में सबको क्षमा कर दिया, उस रावण को भी क्षमा कर दिया, उस कुंभकर्ण को भी क्षमा कर दिया, उस मेघनाथ को भी क्षमा कर दिया। आप पद्म पुराण में पढ़िए, रावण तो हठी था, क्षमा होने के बाद भी क्षमा नहीं ली, इसलिए युद्ध भूमि में मारा गया। कुंभकर्ण और मेघनाथ, आज देखिए जो सत्य कथा है वो बता रहे हैं, जो असत्य फैला हुआ है वह नहीं बता रहे। कुंभकर्ण और मेघनाथ ने क्षमा मांग ली, क्षमा मिल गई, दोनों ने दीक्षा ले ली, दिगंबर दीक्षा लेकर के आज कुंभकर्ण और मेघनाथ भगवान है, है ना? 52 गजा से दोनों के मंदिर बने हुए हैं, है ना? आज भी इतना बड़ा पहाड़ पर उनका चरण है, कुंभकर्ण और मेघनाथ के साक्षात, है ना? कौन सा पहाड़ बोलते हैं 52 गजा को? चूलगिरी नहीं, कुछ और बोलते हैं ना उसको, स्थान का नाम कुछ और आया ना, 52 गजा। उस स्थान से उन दोनों का आज भी ऐसा बताया जाता है कि उस स्थान पर चरण है, हम भी गए हैं दो कई बार। तो दोनों भगवान बन गए उस भव से दीक्षा लेकर के। कितने बड़े पाप किए थे, अपने भाई की सहायता करी थी, दुष्टता करी थी। एक बेटा और एक भाई, मेघनाथ बेटा और कुंभकर्ण भाई, दोनों भगवान बन गए उसी भव से बन गए। ऐसे ही यहां पर कनक ना भी केवल ज्ञान को प्राप्त करके भगवान बन गया। अब देखिए क्या हो रहा है। अब बेटा जो है राजा हिरण्यनाभि निष्कंटक राज्य कर रहा था। पिता कौन था? कनकनाभि। बेटा कौन था? हिरण्यनाभि। अब बेटे को राज्य दे दिया। हिरण्यनाभि निष्कंटक राज्य कर रहा था, उसके राज्य में न तो किसी शत्रु का भय था और न कोई अनिष्ट की आशंका थी। अब पिछली कथा चल रही है ना, वो देव सुना रहा है, ध्यान रखना। पिता जो है चले गए, केवल ज्ञान प्राप्त करके भगवान बन गए। बेटा जो है अब राज्य कर रहा है। एक दिन वह अपने महल की छत पर बैठा था, हिरण्यनाभि छत पर बैठा है, तब उसने असीम विभूति एवं विशाल सेना से संपन्न दैत्येंद्र के राजा को देखा। हिरण्यनाभि ने क्या देखा? दैत्यों का इंद्र। ये जितने भी राक्षस भूत पिशाच इत्यादि होते हैं ना, इनमें भी इंद्र होते हैं, प्रतिइंद्र होते हैं, इनमें भी जातियां, तो उनमें भी इंद्र होता है, जिसको जिसकी आज्ञा बाकी दैत्यों को, जैसे कोई दैत्य भूत पिशाच निरंतर परेशान कर रहा है, तो उनका जो इंद्र है ना, उसको अगर खबर मिल जाए और वहां पर फिर कंप्लेंट पहुंचे तो उसकी अकल ठिकाने, क्यों परेशान कर रहा है, चलो भाग, क्या हो, छोड़ो उसे। तो उनमें भी इंद्र होते हैं, तो दैत्य का इंद्र होता है। इनमें भी तत्वार सूत्र में आया है, क्योंकि ये उद्दंड ज्यादा होते हैं तो संभालने के लिए दो दो इंद्र होते हैं। ऊपर के स्वर्गों में एक हो जाते हैं, फिर 16 स्वर्ग के ऊपर सब अहम इंद्र हो जाते हैं, उनमें इंद्र की जरूरत नहीं होती, उद्दंड नहीं होते, ठीक है? नीचे वालों में जो व्यंतर इत्यादि होते हैं, जैसे एक क्लास में ज्यादा उद्दंडी लोग होते हैं ना, तो दो दो मॉनिटर बनाने पड़ते हैं, दो दो टीचर खड़े करने पड़ते हैं, छोटे बच्चों में होता है ना ऐसा, तो ऐसे ही इनमें दो दो इंद्र होते हैं। तो हिरण्यनाभि ने छत से दैत्यों के इंद्र को देख लिया, विशाल सेना से संपन्न,
उसके राज्य को देखा, वो जा रहा था वहां से कहीं से दैत्यों की सेना लेकर के। इतनी प्रभूत संपदा अवलोक कर हिरण्यनाभि ने विचार किया कि इसकी संपदा की तुलना में मेरी राज्य संपदा तो नगण्य है। देखिए कंपैरिजन है, क्यों निदान पाल लेते हैं, क्यों नारायण बनते हैं। देखिए हमेशा, कल भी उदाहरण दिया था, हम जो अपने आसपास देखते हैं ना, मेरे पास वो चीज क्यों नहीं है जो मेरी, मेरे भाई को मिल गई, मेरी नंद को मिल गई, उसको मिल गई, पड़ोसी को मिल गई। थोड़ा सा उस गांव से बाहर निकले, शहर में आए, मेरे पास ये बिल्डिंग क्यों नहीं है, यहाँ पे इतने अमीर अमीर लोग रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अपने घर में गाड़ियाँ नहीं देखी थी, गाँव में स्कूटर देखे थे तो मेरे पास स्कूटर है, उससे पहले बैलगाड़ी देखी थी, साइकिल देखी थी, उससे साइकिल क्यों नहीं है, उससे पहले गाय भैंस देखी थी तो गाय भैंस क्यों नहीं है, खेत देखे थे तो खेत क्यों नहीं है इतने। फिर धीरे धीरे जब विकास आता है तो शहर में आया, मेरे पास ये टावर क्यों नहीं है, मेरे पास ये ऑडी क्यों नहीं है, मर्सिडीज क्यों नहीं है। अब वो मिल गई, मेरे पास अपना पर्सनल हवाई जहाज क्यों नहीं है, हेलीकॉप्टर क्यों नहीं है, वो मिल गया तो मेरे पास रॉकेट क्यों नहीं है। अब क्या हो रहा है हिरण्यनाभि का, कि मेरे पास ये उड़ने वाले विमान क्यों नहीं है, इंद्र की तरह तृप्ति नहीं है भाई साहब, संतोष नहीं है, इसीलिए तो संसार घूम रहा है। समझ रहे हो डॉक्टर साहब, कहीं तो ब्रेक लगाना पड़ेगा, कहीं पर भी मरते दम तक संतोष प्राप्त नहीं होगा। 10 साल पहले हमारे एक मित्र बोलते थे बस 1,00,000 रुपया आ जाए, उस समय एक हम जहाज बनाएंगे पानी का, यॉट बोलते हैं उसको, बोलते थे हमारे बड़े खास दोस्त हैं कि हम यॉट बनाएंगे और इतने की आमदनी हो जाए, उसके बाद रिटायर्ड हो जाएंगे, है ना। अब कहते हैं 1,00,000 रुपया हो जाए, फिर कहते हैं 100,00,000 रुपये हो जाए। मैंने कहा कहाँ गया तुम्हारा, वो यॉट होता है पानी का जहाज, उसी में रहेंगे, बोलते हैं ना नाव होती है पानी में, कहाँ गया तुम्हारा यॉट। इच्छाएं खत्म नहीं हो रही, अरे महंगाई बढ़ गई भाई, पहले 10 साल पहले 1,00,000 की वैल्यू थी, अब जो है कुछ वैल्यू नहीं है, अब बाइक भी नहीं आ रही 1,00,000 रुपए की, पहले हम सोच रहे थे 1,00,000 में पूरा जीवन चल जाएगा, 10-20 साल पहले पूरा की पूरा एक प्लॉट आ जाता था 1,00,000 का, आराम से घर भी बन जाता था, महंगाई बढ़ गई, अब बहाने लगा रहे महंगाई बढ़ गई, फिर बढ़ जाएगी, फिर 1,00,000 की फिर 100,00,000 हो जाएगी, कभी भी तृप्ति नहीं होगी, कभी तो ब्रेक लगाओगे भाई साहब। तो इसलिए यहां पर कितना खतरनाक उदाहरण दिया है, इतना बड़ा राजा है, विद्याधरों का राजा है, क्या कह रहा है, इंद्र जैसी विभूति नहीं है, मुझे इसी भाव में इंद्र बनना है। इतनी प्रभूत संपदा अवलोक कर हिरण्यनाभि ने विचार किया कि इसकी संपदा की तुलना में मेरी राज्य संपदा तो नगण्य है, अतएव धिक्कार है मेरे जीवन पर और मेरी विभूति पर। अरे हो गया परेशान, देख पराई चूपड़ी भतललचावे जीव, है ना। अबे उसके पास है तो है, अपने पुण्य से तू मरेगा तो तेरे को भी मिल जाएगी, बिना मरे स्वर्ग चाहिए बताओ, हद हो गई आदमी की। मरना भी नहीं है और स्वर्ग की विभूतियां भी चाहिए, दोनों हाथों में लड्डू कैसे मिलेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा, मर के देखा, मरने को भी तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं ना कि स्वर्ग मिलेगा या मोक्ष मिलेगा, अभी चाहिए। देखा है क्या आपने, प्रश्न पूछते हैं लोग हमसे, देखा है क्या स्वर्ग है, किताबों में देखा, असलियत में दिखाओ बेटा, मत देख, चला जा फिर मेरा, मेरे पास तो अभी भी इस जन्म में कुछ खोने को नहीं है, और मरने के बाद मिल गया तो बढ़िया है, नहीं मिला तो कम से कम कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी बात रख लूंगा कि इस जन्म के बाद मृत्यु हो गई, बात खत्म हो गई, है ना, कोई बीमारी तो नहीं लगेगी मैं अगर गलत काम नहीं करूंगा तो। तेरे पास तो अगर तूने गलत काम करे, छल कपट चोरी इत्यादि करी, हिंसा आदि पाप करे, मांस खाया, इस जीवन में भी तेरे को रोग लगेंगे, और मरने के बाद यदि मेरी बात सत्य हो गई गलती से, यदि ग्रंथ की बात सत्य हो गई तो तू नरक जाएगा, त्रियंच जाएगा, और मेरी कहानी में यदि ये बात सत्य हो गई तो मुझे वो मिलेगा, नहीं हुई तो मर जाऊंगा, तू भी वैसे ही मरेगा,
इस जीवन में लूटो खाओ मौज लो, अंतिम जीवन मान के तू खा पी रहा है, तो तेरे पास तो इस जीवन में तूने सुख भोग लिए और रोग भी ले लिए, मेरे पास तो इस जीवन में रोग भी नहीं लगे और मरने के बाद अब लॉटरी किसकी है बताओ सोच के। मेरे पास तो दोनों हाथों में लड्डू है, तेरे पास इस हाथ में तो लड्डू है कि तुझे मांस खाने में आनंद आ रहा है, तुझे हिंसा आदि पाप करने में आनंद आ रहा है, लेकिन दूसरे हाथ में तो रिस्क है ना, तो तू ले, हम तो नहीं ले रहे भाई। तो यहां पर क्या है कि मरने को तैयार नहीं है लेकिन इंद्र के सुख चाहिए। अब मुझे ऐसा साधन करना चाहिए जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। ऐसा दृढ़ संकल्प करके उसने राज्य का भार अपने अनुज को सौंप दिया कि अब तो मैं सीधे इंद्र बनूंगा भाई साहब, और स्वयं विद्या साधन अर्थात वन में जाकर तपस्या करने को उद्यत हो गया। उसको किसी ने बताया कि भाई विद्याएं मिल जाएंगी, तुम जो है स्वर्ग जैसी विभूतियां, देवों जैसी विभूति मिल जाएगी, जाओ और जाकर वन में तपस्या करो। परंतु किस उद्देश्य से तपस्या करने चला गया? निदान के उद्देश्य से, कुछ फल की इच्छा से, सम्यक दर्शन के साथ नहीं गया। ऐसा दृढ़ संकल्प कर उसने वन में जाकर कठोर तपस्या करी। उसने गुरु द्वारा प्राप्त विद्याओं का यथेष्ट साधन किया। अंत में रोहिणी एवं अन्य विद्याओं का साधन कर स्वदेश लौट आया। अब वन में जाकर के तपस्याएं करी और उसके बाद उसके फल से उसे कुछ विद्याएं मिल गई। तप करेगा, हिमाचल पे जाके खड़ा हो जाएगा, बद्रीनाथ पे वहां पे बर्फ में कई कई दिनों तक भूखा उपवास रहेगा, अग्नि जला लेगा, तो उसको क्या बोला? मिथ्या तप। उस तप से उसे कुछ ना कुछ रिद्धि प्राप्त हो जाएगी क्योंकि पंचाग्नि में उसने अपने शरीर को जलाया है, कठोर तप किया है, व्रत उपवास इत्यादि करे हैं, उससे उसको फल मिलेगा क्योंकि वो सुख भी भोग सकता था। परंतु मिथ्या तप में उसको संसार के सुख प्राप्त हो सकते हैं, मोक्ष सुख प्राप्त नहीं होगा। क्या करा? अब वो विद्याओं को प्राप्त करके रोहिणी नामक विद्या उसने प्राप्त कर ली और अपने घर लौट आया। यहां आकर अनुज से वापस राज्यभार ले ली। जो दिगंबर दीक्षा होती उसमें वापस नहीं आती, समझ रहे हो? उसमें कुछ नहीं भी विपत्ति आ जाए, कुछ भी आ जाए, अपने राज्य में नहीं आते, युद्ध द्वारा नहीं लड़ते, दोबारा से सुखों को उपभोग नहीं करते। लेकिन इसने क्या किया? वन गया, विद्याएं ली और वापस आकर के शासन करने लग गया। भाई को बोला तेरे को कुछ दिनों के लिए जूनियर बना के छोड़ा था, आ जा मेरा राज्य वापस दे दे। विद्याओं द्वारा प्राप्त किए हुए वैभव से हिरण्यनाभि इंद्र सदृश शोभित हो गए। अब उसको धन वैभव बढ़ गया, कुछ विद्याएं आ गई, कुछ जादू टोने वाली चीजें आ गई, उससे क्या हुआ? अब बहुत खुश हो गया कि देखो इंद्र बन गया। अब उसके बाद क्या हुआ? समय है, पहले मिथ्या तप था। संसार का चक्र है, आपकी कक्षा का समय हो रहा है, एक पैराग्राफ रह गया, जल्दी से करके फिर खत्म करते हैं। हाँ बस ये खत्म करते हैं। पुण्य के प्रभाव से चिरकाल तक अब उसने निष्कंटक राज्य किया, किंतु एक दिन अकस्मात, जैसे उसको करंट लगा था ना राजा मधु को रानी से, राजा हिरण्यनाभि को वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब सच्चा वैराग्य हो गया, पहले उसका देखकर समय आता है, जब तक समय काल नहीं आएगा ना, कितने ही प्रवचन दे डालो यहाँ, हम भी दे रहे हैं, हम भी स्वयं भी ले रहे हैं प्रवचन, अपने लिए भी ले रहे हैं, आप लोगों के भी दे रहे हैं, जब तक हमारा भी काल नहीं आएगा, आपका भी काल नहीं आएगा ना, तो वैराग्य नहीं आता। ठीक है, अब इसका काल आ गया तो हिरण्यनाभि को फिर फाइनली वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह यथा शीघ्र राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप कर श्री नेमिनाथ स्वामी के समोशरण में गया। ठीक है, नेमिनाथ भगवान के समोशरण में पहुंच गए। उसने जिनेश्वर के चरणों में नमस्कार कर प्रार्थना करी, हे भगवान, मुझे यह तथ्य अब भली भांति समझ में आ गया है। अब गलती से कहां पहुंच गया? नेमिनाथ भगवान के समोशरण में पहुंच गया। मैं अनादि काल से इस संसार में भ्रमण कर रहा हूं, अतएव आप मुझे कोई उत्कृष्ट व्रत प्रदान कीजिए। अब समोसरण में पहुंच गया,
नेमिनाथ स्वामी ने उत्तर दिया, हे भव्य, तुम्हारा यह विचार अति उत्तम है। जिनेश्वरी दीक्षा के बिना अतुल सौभाग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। समोसरण में तो भगवान क्या कहेंगे, कहेंगे आओ लाइन से सारे के सारे दीक्षा लो, वो तो सबको दीक्षा दे रहे हैं। तुम्हें इस महाव्रत को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। जब हिरण्यनाभि दीक्षा लेने के लिए प्रस्तुत हुआ, उस समय विद्याओं ने राजा से प्रार्थना करी। जो विद्याएं होती हैं, विद्याएं क्या होती हैं, पिक्चरों में देखा है ना आपने, वो रामायण महाभारत में मंत्र पढ़ा तीर आ गया, मंत्र पढ़ा बारिश हो गई, वो सब क्या होती हैं, विद्याएं होती हैं। लेके नहीं चलते साथ में, विद्याएं चारों तरफ घूमती हैं अदृश्य रूप में, देवियां होती हैं, स्मरण करते ही आ जाती हैं, और जैसी जिस विद्या का जो कार्य होता है वो पूरा हो जाता है। तो जब वो दीक्षा लेने के लिए चला गया, तब दीक्षा लेते समय सारा परिग्रह छोड़ना पड़ता है, बाहरी परिग्रह भी और अंतरंग भी। तो कोई विद्याएं भी हैं, कोई पद भी है, राजा का पद, कोई शक्ति है, वो सब छोड़नी पड़ेगी। तो जो विद्याएं हैं वो क्या बोल रही हैं, विद्याओं की आवाज आई, हे नाथ, आप तो जिनेन्द्र भाषित दीक्षा लेने जा रहे हो, आप तो दीक्षा ले लोगे अब, तो जो विद्याएं आप जीत करके वहां तब से आए थे, रोहिणी इत्यादि, तब हम तो अनाथ हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में हम क्या करें, हम क्या करें, पूछ रहे। हिरण्यनाभि ने तत्काल श्री नेमिनाथ भगवान से पूछा, उसने कहा भाई भगवान से पूछ लेता, मुझे क्या मालूम क्या करोगी। अब रुपया पैसा पूछ रहा है कि भैया ये पैसा जो छोड़ के जा रहे हो, हम क्या करें, भगवान से पूछ के बताते हैं क्या करोगे। हे भगवान, आप कृपा कर प्रकट करें, इन विद्याओं का स्वामी कौन होगा। ठीक है, खेल खत्म होने वाला है। उस समय जिनेन्द्र ने दिव्य ध्वनि की, हे वत्स, इन विद्याओं का स्वामी बड़ा होनहार है, मैं बतलाता हूं। सुनो, अब आपकी कहानी समझ में थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, अंदाजे से हम भी अंदाजा लगा रहे हैं। शायद ये जो देव इत्यादि वहां बैठा है वो विद्या लिए बैठा होगा। अब भाई ऐसे थोड़ी एक विद्या किसी को भी दे दी जाए। अगर कहीं पर धन वैभव है, कहीं पड़ा हुआ है, जब तक कोई योग्य व्यक्ति नहीं आएगा तब तक वहां पर सांप कैंचली डाले बैठा रहेगा। किसी गलत व्यक्ति के हाथ में यदि राज्य का भार आ गया, शक्ति आ गई, कोई ऐसी शक्ति आ गई, तो क्या करेगा, सबको मारेगा। मैं राजा बन गया, मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई, वो गलत कार्य करेगा। इसलिए वहां पर किसी देवता को बिठा दिया जाता है कि जब योग्य व्यक्ति आएगा उसको ये विद्याएं दे देना। कौन कहानी सुना रहा है, वो देव कहानी सुना रहा है कि मैं तो इंतजार कर रहा हूं। वहां पर वो हिरण्यनाभि के पास में कुछ विद्याएं थी, उस विद्या को वो छोड़ करके दीक्षा लेकर के नेमनाथ भगवान के समोसरण में बैठ गया था। इस कारण से अब ये विद्याएं अनाथ हो गई हैं, तो अपना स्वामी ढूंढ रही हैं। अब आगे की कहानी सस्पेंस देखेंगे कि क्या कहते हैं नेमनाथ स्वामी उस समोसरण में। और एक अभी तक आपके दिमाग में प्रश्न क्यों नहीं आया है? कि नेमनाथ स्वामी कौन है, कौन है श्री कृष्ण के, कौन है और प्रद्युम्न कौन है। नेमनाथ स्वामी दीक्षा लेके बैठे हैं इस पीरियड में, गेस तो करो। एक कहानी इधर चल रही है, एक कहानी द्वारका में भी चल रही है, वो कहानी हरवंश पुराण में दूसरे ग्रंथ में चल रही है, समय एक ही है। देखिए वो बच्चा बड़ा हो गया है, तो द्वारका में क्या वहीं रुकी रहेगी क्या, जो काल है थोड़ा दिमाग में आना चाहिए था। नेमिनाथ स्वामी तो वहीं थे अभी, श्री कृष्ण के भाई, वो समोसरण में कैसे लग के बैठ गया, समझ रहे हो। किले कोई मैडम, एक कथा इधर चल रही है द्वारका में, एक कथा इधर चल रही है काल समर के पास प्रद्युम्न की। ठीक है, यहां प्रद्युम्न बड़ा हो रहा है,
वहां नैमनाथ स्वामी केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, उनका गिरनार पर्वत पर समोसरण लग रहा है। और अभी अभी की घटना है, कुछ दिनों पहले ये हिरण्यनाभि जो था ये जो है उनके समोसरण में दीक्षा लिए हुए है। उसके पास जो विद्याएं थी वो यहां पर आ गई हैं। दो कहानी चल रही हैं एक समय पैरेलल, जैसे हम यहां पर एक कहानी चला रहे हैं, कहीं दूसरी जगह कोई कथा चल रही होगी? नहीं चल रही होगी, कहीं और बच्चा भी तो बड़ा हो रहा होगा, लेकिन यहां से बड़ा होके वहां पहुंच गया अमेरिका में, क्या दिक्कत है? क्लिक नहीं करी आपको नैमनाथ स्वामी कहां से आ गए, समोसरण कैसे लग गया? थोड़ा एकाग्रचित कीजिए दिमाग को। अरे मैडम वास्तव में है ना, उधर द्वारका भी बढ़ रही है, इधर ये जो स्थान है इनका कनकमाला कांवर समर का ये भी बढ़ रहा है। इसका रहस्य कल देखेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग कथा रोचक होती जा रही है। जय बोली प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, जय बोली सोम कीर्ति जी महाराज की, जय बोली आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, सिद्ध भगवानों की, नमीनाथ भगवान की, नैमिनाथ भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की।